अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ नौरेज़ नासर फ्रॉम फेडी मार्केटिंग। आज हम मौजूद हैं पार्क्यू सिटी के बी ब्लॉक में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेफेयर विला का एक प्रॉपर विजिट करवाऊंगा, तो हियर आई एम, लेट्स गो इनसाइड। तो ये मेफेयर विला की एंट्रेंस है। ये मेफेयर विला का मॉडल हाउस बेसिकली ये बना हुआ है। अगर हम देख सकें तो इसके फ्रंट पे रोड से और इस विला की स्टार्ट के दरमियान जो एक्स्ट्रा लैंड, जो ग्रीन बेल्ट मिलती है, वो 16 फीट की है। 16 फीट आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, आप अपना लॉन बना सकते हैं, इसमें अपनी चेयर्स रख सकते हैं। इसमें आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, बट ये आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपके हाउस की ब्यूटी 16 फीट से काफ़ी बिल्ड हो जाती है। ये पोर्च है 5 मरला में, ये बहुत आइडियल पोर्च है, बहुत आइडियल पोर्च बना हुआ है ये कार पोर्च। इसमें 2 गाड़ियां आ सकती हैं आराम से। और CDA के बाईलॉज इसमें यूज़ होते हैं कि आपने फ्रंट एलिवेशन, इसमें 3 एलिवेशंस हैं जो फ्रंट एलिवेशन कहलाई जाती हैं, जिसपे आपका फ्रंट विला का डिज़ाइन आपको नज़र आता है। जी दोस्तों, तो अब हम मौजूद है मेफेयर विला के अंदर। मैं आपको प्रॉपर एक विजिट करवाता हूँ। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये मेफेयर विला का डाइनिंग एरिया है, एक बहुत प्रीशियस डाइनिंग एरिया है जो कि फैमिली पूरी इधर बैठ के अपना इन्वायरमेंट इंजॉयमेंट कर सकती है। और मेरे सामने, अगर मैं कैमरा आपको दिखा सके, कि मेरे बैक साइड पे ये एक फुली फर्निश्ड ड्राइंग रूम है, जिसमें आप अपना व्हाटएवर यू वांट आप अपना उसमें यूज कर सकते हैं। और मेरे राइट साइड पे जो है ये किचन है, ठीक है, जो कि आप एक सिंगल फैमिली यूनिट है बेसिकली। ये एक रूम नीचे है, 3 रूम ऊपर है, तो आप इसमें एक किचन यूज़ कर सकते हैं। और इसके किचन के साथ राइट साइड पे एक बेडरूम है जो कि बहुत आइडियल साइज है। उसके भी साइजेज हैं, वो भी मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो अभी हम सेकेंड फ्लोर पर मौजूद हैं, मैं आपको रूम्स भी दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट रूम है सेकेंड फ्लोर पर। इस रूम में आप नज़र आ रहे हैं, तो आपको बहुत आइडियल साइज है इस रूम का, बहुत परफेक्ट साइज है फॉर फैमिली। इसमें एक वॉशरूम है, और इस रूम की एक बिल्डिंग, इस रूम के साथ एक टेरेस भी है। ये टेरेस का एरिया है, मैं आपको थोड़ा सा टेरेस का भी दिखा देता हूँ अगर आप मेरे साथ आए। ये टेरेस है, दिस इज द टेरेस। इसमें आपको एक व्यू मिल सकता है फ्रंट पे एंड ऑल दैट। उसके बाद सेकेंड बेड है, दिस इज द सेकेंड बेड, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप इसको देखें तो। ये सेकेंड बेड है, इसमें आपकी जो वुड एंड ऑल दैट ऐश वुड वगैरह यूज हुआ, दिस इज ऐश वुड एंड अ वॉशरूम। उसके बाद सेकेंड फ्लोर के ऊपर ये डाइनिंग एरिया है जो कि आप मल्टीपल इस पे यूज कर सकते हैं। डाइनिंग ये बहुत आइडियल इस पे वो है सिंगल फैमिली यूनिट के लिए। अगर आप इसको रूम बनाना चाहें तो ये आपका एज अ रूम भी, फोर्थ वन रूम भी यूज हो सकता है। ये आपकी रूफ है,